एक वक्त की बात है, कविराज और जुगन दो भाई थे। वो दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे और एक ही कारोबार संभालते थे। दोनों का हर चीज पर बराबर का हक था। उन लोगों में ना कभी झगड़ा होता और ना ही लड़ाई। दोनों भाई प्यार मोहब्बत से रहते थे। दोनों भाइयों का निकाह भी एक साथ हुआ। निकाह के 2 साल बाद जुगन को एक बेटी हुई जिसका नाम मुन्नी रखा गया। फिर क्या, मुन्नी पूरे परिवार की जान थी, खास करके अपने चाचा कविराज की तो लाडली थी। एक रोज की बात है, सारा परिवार एक साथ खाना खा रहा था कि तभी एक आदमी दौड़ते हुए आया। हुजूर, हुजूर, छोटी मालकिन के अब्बू जान का इंतकाल हो गया। क्या अब्बू जान? जुगन की बीवी जोर जोर से रोने लगी। एक काम कर छोटे, तू कार ले जा, मुन्नी को यहीं छोड़ जा। वहाँ तू लता को संभालेगा या मुन्नी को? ठीक है भाईजान। जुगन ने बच्ची अपनी भाभी मंदाकिनी को सुपुर्द की। फिर जुगन और लता कार में बैठकर निकल गए। सारे रास्ते लता जोर जोर से रोए जा रही थी। रास्ते में एक मोड़ आया और जुगन अपनी तवज्जो खो बैठा और वो लता को संभालने की कोशिश कर रहा था कि रास्ता मुड़ गया और उनकी कार एक बहुत गहरी खाई में गिर गई। दोनों मियां बीबी की मौके पर मौत हो गई। कविराज और जुगन और लता की अंतिम विदाई थी। मुन्नी बच गई थी। कविराज ने सोचा कि वो अपनी भतीजी की अपनी बेटी की तरह परवरिश करेगा, पर मंदाकिनी इस बात पर राजी नहीं थी। आखिर हमारे अलावा अब मुन्नी का है भी कौन? वो सब मैं नहीं जानती। ये मेरी बेटी नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत नहीं कर सकती। पर मंदाकिनी, ये बच्ची महज कुछ महीनों की है, इसको देखभाल की जरूरत तो पड़ेगी ना? इसके लिए आया रख लो। दुरुस्त है। कविराज ने मुन्नी की परवरिश के लिए एक आया रख ली। वो आया मुन्नी का ख्याल रखती, उसके साथ खेलती। कविराज मुतमईन था कि उसके भाई की बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही है। पर फिर जब मंदाकिनी को बेटी हुई तो सब कुछ बदल गया। ये है ना हमारी सहजादी, आज से आपका सारा लाड प्यार बस इसी को मिलना चाहिए। वो तो मिलेगा ही ना। शायद आप मेरे बोलने का मतलब नहीं समझे। मैं बोल रही हूँ कि मुन्नी को कहीं दूर भेज दो। अगर वो यहाँ रहेगी तो आप उसी से ज्यादा प्यार करोगे, जो कि मैं नहीं चाहती। ऐसा थोड़े ही हो सकता है, भला मुन्नी कहाँ जाएगी? और अगर वो बच्ची भी हमारे साथ रहेगी तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? बेवजह उस बच्ची के पीछे ना पड़ा करो। कविराज अपनी बात बोलकर वहाँ से चला गया। पर अब मंदाकिनी जानती थी कि उसे क्या करना है। उस दिन से मंदाकिनी ने मुन्नी के साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। वो कभी उसे डांटती तो कभी उसे मारती। जब भी मुन्नी कविराज के पास जाती तो मंदाकिनी बच्ची को मारती थी। आज के बाद अगर तू अपने चाचा के पास गई तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कविराज ने ये देख लिया। उसका दिल किया कि वो मंदाकिनी को डांटे, रोके, पर उसने सोचा कि आखिर कब तक वो मुन्नी को मंदाकिनी की नफरत से बचा पाएगा। जब तक मुन्नी यहाँ रहेगी, मंदाकिनी कुछ न कुछ करके उसे तकलीफ देती ही रहेगी। इससे तो अच्छा है कि मुन्नी को मैं दूर भेज दूँ, कम से कम वो वहाँ खुश तो रहेगी। यही सोचकर कविराज ने मुन्नी का एक यतीम खाने में दाखिला करा दिया। आप मेरी परेशानी तो समझ ही गए होंगे। अगर मैं इस बच्ची को अपने पास रखता हूँ तो इसे बस तकलीफ ही तकलीफ मिलेगी। इससे अच्छा मैं इससे दूर रहूं। पर मैं चाहता हूं कि ये हमेशा खुश रहे। मेरी मुन्नी का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। इसे जो चीज चाहिए सब मुहैया करवा दीजिए। पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं वक्त पर पैसे भेजता रहूंगा। ठीक है जनाब, मैं समझ गई। अब मुन्नी यतीम खाने में रहने लगी। वो अक्सर अपने चाचा जान को याद किया करती थी। क्या हुआ मुन्नी, मेरे चाचा आए हैं क्या? नहीं बेटा, शायद वो कहीं मशरूफ होंगे, आ जाएंगे। मुन्नी अपने चाचा का इंतजार करती रही। और यहाँ कविराज के साथ भी एक हादसा हो गया। अब वो ना बिस्तर से उठ पाता, ना चल पाता और ना ही कुछ कर पाता। बस अपनी मुन्नी को याद करके रोया करता था। जैसे जैसे मुन्नी बड़ी हो रही थी, उसे लग रहा था कि उसके चाचा को भी उससे मोहब्बत नहीं है। अब वो उनका इंतजार भी नहीं करती थी। वक्त बीता, अब मुन्नी जवान हो चुकी थी। उसे आकाश नाम के लड़के से मोहब्बत हो गई थी। क्या तुमने अपने परिवार को कभी नहीं देखा? मैंने अपने वालिदैन को तो नहीं देखा,
पर अपने चाचा चाची को जरूर देखा है। क्या वो अभी भी जिंदा है? हाँ, होंगे ही। क्या मतलब? मुझे पता नहीं, जब मेरे चाचा जान ने मुझे इस यतीम खाने में छोड़ा तो शुरू शुरू में वो मुझसे मिलने आए, फिर अचानक गायब हो गए। तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, तुम खुद ही सोचो, यतीम खाने में भला कौन से बच्चे होते हैं जिनकी किसी को जरूरत नहीं होती। शायद मेरे चाचा को भी मेरी जरूरत ना हो। खैर, मैं हूँ ना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? सच्ची? हाँ। मुन्नी बेहद खुश थी। वो खुश थी कि अब उसका भी एक परिवार होगा। कुछ दिन बाद मुन्नी आकाश के वालिदैन से मिलने गई। वाह आकाश, ये तो बहुत खूबसूरत है। बेटा, तुम्हें ये हमारा उल्लू कैसे पसंद आ गया? अब्बू, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। सब हंस पड़े। अच्छा बेटा, आकाश ने बताया कि तुम यतीम खाने में पली बढ़ी हो। जी हाँ चाची जान। तुम्हारे वालिदैन के बारे में तुम्हें कुछ पता है? मेरे अब्बू का नाम जुगन सेठिया था और अम्मी का नाम लता सेठिया। तुम जुगन सेठिया की बेटी हो? जी चाचा जान। तुम्हारे चाचा जान कविराज सेठिया हैं? जी, पर आप कैसे जानते हैं? क्योंकि कविराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बताया था। बेटा, तुम जानती नहीं कि कविराज तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और कितना याद करता है। तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए कभी? क्योंकि वो आ नहीं सकता। क्या मतलब? क्योंकि बरसों पहले उसका सड़क एक्सीडेंट हो गया था, तब से वो चल फिर नहीं सकता, बस बोल सकता है, वरना वो कब का तुम्हारे पास आ जाता। बेटी, क्या? और मैं सोचती थी कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। संभालो बेटा अपने आप को। आकाश के अम्मी अब्बू मुन्नी को कविराज के पास ले गए। ये तुम्हारी मुन्नी है? तुम्हारी मुन्नी? सच? मुन्नी ने अपने चाचा जान को गले से लगा लिया। दोनों बड़े ही भावुक थे। वो दोनों रोए, एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। मेरी मुन्नी को मुझसे मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेरी मुन्नी से मुलाकात कराने नहीं लाया, बल्कि उसे छीन ले जाने आया हूँ। क्या मतलब? मतलब जल्द ही ये मेरे घर की बहू बनने वाली है, आकाश की होने वाली बेगम। ये बात सुन के कविराज बेहद खुश हुआ। कुछ दिनों बाद आकाश और मुन्नी का निकाह हो गया। कविराज ने निकाह अपने आंखों से देखा और जब मुन्नी और आकाश कविराज से दुआए खैर लेने आए तो कविराज ने आशीर्वाद के साथ मुन्नी को कुछ कागजात दिए। ये क्या है? तेरा हक। चाचा जान, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये मेरी तरफ से तेरे लिए तोहफा नहीं है, बल्कि ये वो अमानत है जो मैं तुझे लौटा रहा हूँ। ये तेरे अब्बू की कमाई है जिसपे बस तेरा हक है। आज तक मैं इसको अमानत की तरह संभालता रहा हूँ, अब वक्त आ गया है कि तू इसे खुद संभाले। तभी मंदाकिनी वहाँ पहुँची। मुझे लगा था कि तुम अपनी सारी दौलत इस लड़की पर लुटा दोगे। मेरी बेटी का हक मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगी। आज नहीं मंदाकिनी, आज नहीं। आज तक तुमने मेरी सारी खुशियों को बर्बाद किया है। अगर आज तूने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं अपनी सारी जायदाद मुन्नी के नाम कर दूंगा, फिर जिंदगी भर तुझे मुन्नी की गुलामी करनी पड़ेगी। ये सुनकर मंदाकिनी सहम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चली गई। आपको चाची जान को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बिल्कुल दुरुस्त किया। अगर यही काम मैंने 15 साल पहले कर दिया होता तो तुझे यतीमों की तरह पलना नहीं पड़ता। अब तू हमेशा खुश रहे, यही मेरी दुआ है। मुन्नी ने अपने चाचा जान को गले से लगा लिया और अनाथ मुन्नी का आखिरकार निकाह हो ही गया। भले ही मुन्नी ने बहुत सारे दुख झेले, पर आखिर में उसकी किस्मत में खुशी आई। इसीलिए तो कहते हैं, अंत भला तो सब भला।